ढाई साल तक हम सिर्फ प्रोडक्ट यूजर थे, क्योंकि मेरे को यह लगता था कि मोदी केयर मेरे मतलब का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी BMW ODQ5 बच्चे चला रहे हैं, बड़ा बेटा मेरा सिंगर है और 9th क्लास में उसका पहला गाना मैंने रिलीज करवाया था। तो उसके बाद टर्निंग मोड कहाँ आया, छोटे ब्रदर को जिस दिन कार मिली उसने उस दिन अलवर बुलाया कि यार कार मिल रही है, और मैं गया वहां के माहौल ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, मैं कह यार BMW ओडी तू खरीद के लाया हुआ है और यहाँ 12 लाख की गाड़ी में दुनिया एंजॉय कर रही है। मैं कभी गाड़ी को देखता था, कभी उसको देखता था, कभी अपने आप को देखता था। मुझे लगा कि यार प्रोडक्ट तो हम भी यूज कर रहे हैं, उसको कार इसलिए मिल गई उसने लोगों को बताया है, मैं कह हम भी बताना चालू कर देते हैं। तो मैंने उसी दिन शोरूम में कसम खाई थी कि दिल्ली जाके मैं मोदी केयर छोड़ने वाला नहीं हूं। अरे वाह क्या बात है। और दिल्ली आने के बाद 14 महीने में स्कॉर्पियो अचीव की है, और आज इस डेट इस स्टेज पे बोल के जा रहा हूं, 2 साल में अपनी टीम में 5 गाड़ियां लेके आ चुका हूं, और 12 सितंबर 2023 को रेंज रोवर लाने वाला हूं। और जिस दिन स्कॉर्पियो लाया था उस दिन से आज तक अपनी BMW और ऑडी की सीट पे नहीं बैठा, रेंज रोवर की सीट में ही बैठूंगा। ये कमिटमेंट है। और एक मैं मैसेज देना चाहूंगा, अगर कुछ कहते हैं कि टीम काम नहीं करती, तो भाई साहब 2.5 साल तो हमने भी काम नहीं किया था, आपने जिसको ज्वाइन कराया है आप लगे रहो, आपकी अचीवमेंट को देख के वो कल अपने आप लग जाएगा जैसे मैं लगाऊं। वंडरफुल। एक मैसेज और देना चाहूंगा, अभी बीच में मैं रात को 12:30 बजे प्लान दिखा के घर आ रहा था, और मेरी गाड़ी के पीछे रात को 12:30 बजे कुत्ता भर गया। बड़ा नॉर्मल सा वाक्य है जी। अब उस कुत्ते को देख के 8-10 कुत्ते और बढ़ गए जी मेरी गाड़ी के पीछे। तो उस कुत्ते ने मेरे को एक मैसेज दिया, मैंने कहा यार ये कुत्ता हो गए रात को 12:30 बजे 10 कुत्ते कुत्ते इकट्ठे कर सकता है, तो हम GBDD बनने के लिए 14 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते। दोस्तों आज तक ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा कमा रहा था पर टेंशन साथ में थी, आज इस बिजनेस को एंजॉय करते हुए काम कर रहा हूं। ट्रेडिशनल बिजनेस में मेरे पास पैसा है पर वाइफ को और बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है, और आज हम तो 24 आवर्स साथ रहते हैं, ये इस बिजनेस की पावर है। थैंक यू।